आज के मेहमान हैं आसिम अजहर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बच्चा ही इज़ वेरी क्यूट ही इज़ सो यंग एंड सो टैलेंटेड आइए मिलते हैं तो टॉयज किस तरह के फरमाइश करते थे कि मुझे ऐसे खिलौने चाहिए मुझे याद है मैं एक दफ़ा एक एड uh, के लिए आई वॉज अ चाइल्ड स्टार इज़ वेल तो एक uh, काफ़ी अच्छे ब्रांड के लिए हम गए तो मलेशिया में शूट थी विद वसीम अक्रम तो आई वॉज द चाइल्ड स्टार इन इट तो उधर से अम्मी मेरी गार्डियन गई थी साथ तो उधर से जब हम वापस आ रहे थे दिस वॉज़ टू तो एक मुझे मॉल में ना वो गाड़ी रिमोट कंट्रोल वाली नज़र आई तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे चाहिए वही ज़िद की मैंने तो अम्मा वही जैसे होता है एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बेटा कैसे लेके जाओगे इतनी इतना बड़ा डब्बा है किसके बैग में आएगी मैं नहीं तो फिर मैंने उधर बढ़ा एक फ़िल्मी अम्मी आज तक वो डायलॉग याद करती हैं कहती हैं मेरा दिल पिघल गया था हालाँकि मुझे पता था तुम एक बहुत ही फिल्मी बात करो तो मैंने अम्मा जब अम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया ना तो अम्मा बिल्कुल फिल्मी सीन अम्मा अपने पीठ मोड़ लिया और मैं कहता हूँ अम्मी अगर आपको अंदाजा हो जाए ना कि एक बच्चे के दिल में खिलौने के लिए कितना प्यार होता है तो आप कभी मना ना करें oh <laughs> अम्मी मुड़ी हैं और पता नहीं मेरे दिमाग में भी वो कहाँ से बात आई थी लेकिन वो मुझे लगता है दिल से निकली थी oh. अम्मी ने कहा प्रॉमिस करो उसको खुद कैरी करोगे पूरे रास्ते पाकिस्तान तक मैंने कहा प्रॉमिस तो फिर वो ले लिया मैंने तो उसमें जब छोटे थे और ये सब कुछ हो रहा था कि मॉडलिंग भी कर रहे थे हाँ। और के साथ जा भी बिल्कुल, रहे बिल्कुल, थे। बिल्कुल. सोचा था कभी कि, कि म्यूजिक की तरफ आओगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मेरी एक्चुअली जो म्यूजिक है वो मेरी फैमिली से फादर साइड ऑफ द फैमिली आता है बट uh, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि व्यूजली ज्यादातर क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस जो आपको चीज़ बहुत आसानी से प्रोवाइड uh, हो रही होती है या जिसको आप देख रहे होते हैं यू डोंट वैल्यू इट एज़ मच जितनी आपको करनी चाहिए सो म्यूज़िक इन दैट केस वॉज दैट फॉर मी क्योंकि मैं मेरी सुबह ही अबू के बाजे की प्रैक्टिस से होती थी तो मैं उसको इतना वैल्यू नहीं देता था मैं कहता था यार मतलब करते हैं ठीक है, है. Mm -hmm. मैं बाकी चीज़ों को बहुत वैल्यू देता था क्रिकेट को mm -hmm. मतलब आई ऑलवेज मेरा अभी भी फर्स्ट लव इज़ क्रिकेट मतलब आई प्लेड फॉर अ डिपार्टमेंट्स टीम अंडर 16 तो आई वाज वेरी सीरियस अबाउट क्रिकेट एंड देन बचपन में आई वांटेड टू गो इन द एयर फोर्स एंड स्टफ लाइक दैट जो कि चीजें अनअप्रोचेबल थी तो जहाज जमा करना और हा, 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 अपनी बहन के अपनी बहन के साथ खरीदना उफ मतलब मेरे फेजेस थे बचपन में मैं वो मेरे टॉयज होते थे मॉडल्स वाले जो जहाज होते थे और उसके साथ मैं बहन के साथ खेल रहा होता था फिर उसके बाद मेरा क्रिकेट का पीरियड आया जिसमें मैं एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की तो किट मेरे पास होती थी पूरी और बैट और ये तो वो और गिटार कभी नहीं इस वक्त तक पकड़ा टिल दर्टीन आई एम राइट नाउ टिल सोचा भी नहीं वन सडनली uh, मेरे चाचा ने मुझे आई भेजा बाहर से नया नया उस वक्त आई का दौर आया था और मैं बहुत एक्साइटेड था मैंने कहा वेरी नाइस मैं यू नो हाउ किट्स आर के वो अब तो मैं शो मारूंगा बच्चों में अपना कि मेरा आईपॉड पॉड आए और उसमें मैंने रैंडम गाने भर दिए आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट क्योंकि वो जब गाने मैंने सुनने शुरू किए ना तो मेरा इंटरेस्ट बहुत बड़ा टूवर्ड्स वेस्टर्न म्यूजिक एंड सम आई जस्ट फाउंड माई इनर लव फॉर म्यूज़िक एंड सिंगिंग स्टार्टेड ऑफ बाई सिंग एट अ कजन वेडिंग किसी ने वीडियो बनाई वो ऑनलाइन डाल दी दोस्तों ने बड़ा अप्रिशिएट किया आई लाइक दैट अटेंशन मजा आया उस अटेंशन का आई वाज लाइक दिस तो उस, cool यार. No, no, उस, oh, उस वक्त ये हुआ फिर स्कूल में एक आध जगह गाया तो जहाँ भी उस वक्त हल्का फुल्का गाया अप्रीसी मिली कि अच्छा है और थोड़ी सी म्यूजिक की सेंस थी भी कि ये भी पता था की बचपन हाँ, में अगर आप exactly, सुरतों का exactly, so सुर तो कान सुर तो, तो ट्यून हो कान हाँ। तो ये पता था कि बहुत ज्यादा बेसुरा नहीं हूँ अभी प्रैक्टिस की वजह से लेकिन बिल्कुल ही मैं अनएक्सेप्टेबल नहीं हूँ सही गा रहा हूँ अम्मी को सुनाते थे गाने अम्मा को अम्मा मेरी आज भी जब मैं आज भी कोई नया गाना बनाता हूँ ना तो सबसे पहली मेरी जो लिस्नर होती है वो अम्मा होती है तो पहला गाना बनाया था जी पहला गाना अम्मी को सुनाया सबसे पहले स्टूडियो गया स्टूडियो से जब गाना बना के वापस आया एंड हाउ ओल्ड वर यू आई वाज 13 वाओ आई वाज 13 और इंग्लिश गाना था वो एक्चुअली हां खुद ही लिखा खुद ही लिखा था खुद ही कंपोज खुद ही कंपोज किया. किया आज तक के मैंने जितने भी ओरिजिनल्स गाए हैं क्या था वो उसका नाम था कम आउट अगेन और ये किसके लिए गाया था ये मैंने जितने भी गाने लिखे हैं ना वो सारी इमेजिनेशन बेस्ड है आई हैव अ वेरी वास्ट इमेजिनेशन क्योंकि तेरह साल के बच्चे को क्या एक्सपीरियंसेस होंगे कोई नहीं ना मतलब ना प्यार में धोखा हुआ होगा ना कुछ हुआ होगा सो आई जस्ट इमेजेंड अ सिनारी ऑन माई हेड और uh, उसी उसको लिखा मैंने एंड देन एट दैट टाइम माई नाना ऑल्सो पास अवे सो आई काइंड ऑफ डेडिकेटेड दैट सॉन्ग टू हिम एज वेल तो वन आई मेड अमी हेर इट तो she started crying उनको एक होता है करके. बनाया बुरा गाना। शायद उनकी नजर में नहीं, नहीं अच्छा मजा नहीं आया जितना मतलब अच्छा तुम्हारे बाकी मुझे लगे हैं प्यार से क्या कहती है उनके फोन में, में मेरा नाम आशी बाबा से

कहते हैं कि कहते हैं तुझे मज़ा आएगा जब अपनी अपने पाँव पे तू करेगा ना कुछ उस उसका मजा ही और होगा mm. तो खैर तो मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज बोथ ऑफ माई ब्रदर्स देर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और देव यू नो मेड टी वी सीज एंड जैसे होता है ओ एस टीज वगैरह तो <coughs> उस वक्त भी यू नो माई ब्रदर यू टू बी वेरी बिजी आ, आ, और काम में कर रहे होते तो मैं जब एक छोटा भाई आपको तेरह साल का बच्चा कह रहा है कि मेरा गाना बनाए तो आप कहेंगे अच्छा हाँ हाँ करेंगे करेंगे क्योंकि एक साइड पर आपके पैसे वाला काम चल रहा है आपको डेडलाइन मिली हुई है और एक साइड पे आपका छोटा भाई कह रहा है कि वो छोड़ के मेरा गाना बनाए तो ऑब्वियसली अब मैं सोचता हूँ रियलिस्टिकली तो बट मैंने क्या किया मैं ढीट बना रहा और मैंने <laughs> इधर अब्बू से सिफारिश करवाई भाई को मैंने कहा अब्बू अच्छा अब्बू से सबकी जान जाती है सिवाय मेरी क्योंकि मैं लाडला हूं ना तो जो काम आ, कोई नहीं करवा सकता वो मुझसे कहते हैं तो मैंने कहा अबू कासिम भाई को कि मुझे नहीं पता मेरा गाना करना है, है अब से मैंने लाड में कहा अब मुझे नहीं पता भाई अब आप कहें यार मुझे टाइम नहीं देते मैं इनका इतना तरले करता हूँ अच्छा ठीक है तो अबू ने कहा और फिर वो गाना किया फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही करते रहे ये आई थिंक ये मेरी डेडिकेशन थी कि मैं उनके पीछे लगा रहा कासिम भाई के कि करना है करना है करना है मतलब मैं तंग नहीं आया हालांकि वो मुझे डांट भी देते थे वो मुझे मतलब यू you नो know, मैं दोस्त से कह के, के यार मुझे बाइक पे स्टूडियो ले जाए यार तो मैं बाइक पे स्टू... मुझे याद है एक दफा हम जा रहे थे शार फैसल पर तो बहुत गर्मी थी इसी एज का था मैं तेरह तेरह तेरा साल का तो बहुत गर्मी थी और हम जा रहे हैं पसीना निकल रहा है और बाइक की ना वो पेट्रोल ख़त्म हो गया तो अब हम रीजन प्लाजा के सामने बाइक रुक गई है और तीन बज रहे हैं स्टूडियो जाना है काशी मैंने टाइम दिया है कि इस टाइम आ जाओगे तो कर दूंगा वरना तो मैं ना तंग आके मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है पता नहीं मेरे दिल में क्या आया मैंने कहा यार तू देख एक दिन इसी रोड पर ना मैं बहुत जल्द अपनी गाड़ी पे अपने स्टूडियो जा रहा हूँ और तू भी मेरे साथ होगा तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक इन जब उसने दिल रखा मेरा तो वो बात तो गुजर गई लेकिन वो फिर रिसेंटली अभी मैंने अपनी पहली गाड़ी ली हाँ जी तो अपने स्टूडियो जा रहा था मैं और वो जगह आई तो मुझे वो बात एकदम से याद आई